कोरोना वायरस जो सबसे खतरनाक वायरस में से एक है, हाल ही में चाइना में फैले कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। चाइना में अब तक कोरोना के संक्रमण से करीब 80 लोगों से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है, वहीं 3000 से अधिक लोगों से संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। चीन भाग अन्य देशों में भी फैल चुकी है, जैसे कि इंडिया, नेपाल, मंगोलिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान में पहुंच चुका है। चाइना में फैले कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आखिर ये कोरोना वायरस है क्या और कैसे फैलता है और ये कितना खतरनाक है, सब जानते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाओगे आखिर क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक तरह का संक्रमित होने वाला वायरस है, मतलब कोरोना वायरस विषाणु का एक बड़ा समूह है जो इंसानों में सामान्य जुकाम से लेकर श्वसन तंत्र की गंभीर समस्या तक पैदा कर सकता है। यानी यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है, यानी यह कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके अलावा कोरोना वायरस से सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और उमर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इस वायरस का नाम इसके सेप से आधार पर रखा गया है, मतलब कोरोना वायरस ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कोरोना और वायरस। कोरोना मतलब इसका क्राउन से आया है जिसका मतलब है ताज। इस वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने से क्राउन जैसा देखने में लगता है, इसीलिए इसका कोरोना वायरस नाम पड़ा। यह वायरस जीवित कोशिकाओं में रहकर खुद को डेवलप भी कर सकता है और अन्य वायरस को भी जन्म दे सकता है। ये वायरस जानवरों और इंसान दोनों को एक साथ संक्रमित कर सकता है। शोध में सामने आया है कि कोरोना वायरस सांपों से इंसान तक पहुंचा है। ये वायरस एनिमल से संबंधित है और समुद्री जीव जंतुओं के जरिए यह वायरस चीन के लोगों में फैला और मीट के होलसेल मार्केट, पोल्ट्री फार्म, सांप, चमगादड़ या फार्म एनिमल्स के जरिए ह्यूमन में आया है। चीन में कैसे फैला? समुद्री जीव जंतुओं के जरिए यह वायरस चीन के लोगों में फैला। दक्षिण चीन में समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को सबसे पहले चपेट में ले लिया, जिनमें वुहान शहर है, इसलिए इस वायरस को वुहान नाम से भी जाना गया, यानी कि वुहान वायरस से भी जाना गया। दक्षिण चीन के बाजार जहाँ काफ़ी मात्रा में समुद्री जीव मिलते हैं, उनके जरिए यह वायरस लोगों में फैला। इस बाजार में समुद्री जीव जिंदा भी मिलते हैं और उनके मांस भी मिलता है। यहीं से इस वायरस ने चीन के निवासियों को अपनी चपेट में ले लिया और यह वायरस इंसान और संक्रमित जानवर के बीच सीधे संपर्क या हवा के माध्यम से फैला है। जो वायरस इंसान जानवरों के बीच फैलते हैं और इसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है, यानी जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। जब इंसान संक्रमित पशु का मांस खाता है तब ऐसे वायरस फैल सकता है। जानवर के मांस को ठीक से पकाया ना गया हो या गंदी जगह में तैयार किया गया हो तब भी वो वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस को सबसे पहले 1960 के दशक में पहली बार खोजा गया था और उसके बाद सन 2002 और 2003 में कोरोना वायरस एक प्रकार को यानी सार्स 30 देशों में फैला गया था। दुनिया भर में 8000 से ज़्यादा लोग सार्स से संक्रमित हो गए थे। उस वक्त 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसी तरह 2012 में अरब देशों में मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसा कोरोना वायरस मिला था। और WHO के अनुसार यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना वायरस एक जेनेटिक है। इसका मतलब ये है कि 2019 एनकोवी यानी नोवल कोरोना वायरस जानवरों से मानव में फैला हुआ है और 2019 एनकोवी सी फूड खाने से फैला था। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ या सांपों से इंसानों में फैल रहा है। कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को छूने और फिर अपने मुंह या नाक या आँखों को छूने से भी वायरस फैलता है। ये वायरस कितना खतरनाक है वो भी जान लीजिए। दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी इस वायरस को लेकर सतर्क है और लोगों को भी सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये वायरस कितना खतरनाक है इसके बारे में सटीक जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि WHO के अनुसार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस और इससे फैलने वाली निमोनिया जैसी बीमारियों को अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने में मना कर दिया है। वायरस जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद मूल कोशिका यानी कि RNA और DNA की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है। संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं को बनाने लग जाती है। जब कोई वायरस हमारे शरीर में फैलने लगता है तो वो हमारे शरीर को अपने लिए एक रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग करता है। हमारे DNA और RNA में चेंजेस आने लगता है और अलग अलग वायरसेज भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न करते हैं। वायरस को बीमारी पैदा करने वाली मशीन कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका लक्षण क्या है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले तो नाक बहना, खांसी, गले में खराश होना, निमोनिया होना, फेफड़े में सूजन, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना,
जिसमें आपको तेज सिर दर्द और बुखार हो सकता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए ये खतरनाक है। बुजुर्ग और बच्चे आसानी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका इलाज क्या है वो भी जान लीजिए, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं खोजा गया है और ना तो कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है। इसे बचने का यही तरीका है कि इस वायरस को इन्फेक्ट होने से बचे रहे, किसी बीमार जुकाम या निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे, अपने मुंह में मास्क पहने और जहां तक बचने के उपाय है वो के गाइडलाइन अपनानी होगी। जैसे कि अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करें, खांसते या छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को कपड़ा या टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढके, जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उसमें नियमित दूरी बनाए रखें, ऐसे में मास्क आदि पहनना सही रहेगा। मीट और अंडों को अच्छे से पकाएं, जंगल और पालतू जानवरों के साथ फालतू और असुरक्षित संपर्क न बनाएं। तो आपको पता चल चुका होगा कि आखिर कोरोना वायरस क्या है और वुहान वायरस क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुँच सके, और फैला दीजिए जहाँ हो सके वहाँ सोशल मीडिया में, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहाँ हो सके वहाँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल से हमेशा से बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।